महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि पूरा देश उनके बलिदानों के लिए उनका कृतज्ञ है। किससे आज पूर्ण तिथि है और मैं समझता हूं कि आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके लिए। उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई उससे पूरा देश एक बात मान करके चला कि अहिंसा के आधार पर हम बापू के साथ हैं और इस देश को आजाद कराने के लिए कृतसंकल्प है। समय समय पर उन्होंने सबको इसका मार्गदर्शन दिया। आज हम सभी लोग निश्चित रूप से मान करके चलते हैं कि इस देश के आजादी के महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में पूज्य महात्मा गांधी जी थे। मैं अपनी तरफ से, हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर वे सभी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। आज महात्मा गांधी को हम सभी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने उनसे यही प्रार्थना की है कि वो दिव्य आत्मा हम सबको आगे बढ़ने का की प्रेरणा देते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते जाएं। ऐसी हम उनसे भी, उस आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि सबको साथ चलने की और एक रहने की हमें प्रेरणा दे ताकि हम देश का और प्रदेश का विकास कर सकें।